तो मैं कोरिया से यहाँ अभी अभी पहुंचा हूँ। मुझे लगा था कि म्यांमार बहुत ज्यादा कहीं पर देश है, लेकिन बहुत क्लोज है। तो मुझे म्यांमार के लोग बहुत जगह दिखाई दे रहे हैं। तो वचन खोलेंगे, प्रेतों के नौ, प्रेतों के काम 9 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। तो शाउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। और उसे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे उस इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश के चारों ओर ज्योति चमकी। पांच, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझ से कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु तब शाउल भूमि पर से उठा परंतु जब आंख ले गए वे 3 दिन तक ना देख सका। और ना पिया। तो कभी कभी आपका मन के बाद तो जो कोई भी यहाँ पे बैठे हैं पे, तो जब हम अपने
तो सोचा था कि कैसे एक मरा हुआ इंसान जी उठ सकता है। तो बोल रहा था कि बहुत ये जो लोग हैं धोखा दे रहे हैं लोगों को के। तो ये जो यंग लड़का है ये लाइबेरिया का था, वॉलंटियर था। तो एक रात को अचानक से एक बिच्छू ने मतलब उसे काट दिया, उसको बहुत बड़ी सी चुभन महसूस हुई उसके पैर में। तो उसने अपना लाइट ऑन किया, उसे चेक किया, उसने देखा कि कुछ भी नहीं है आसपास। तो सुबह उठकर उसने देखा, तो उसने दोस्त को बताया, अरे मेरे पैर में मुझे थोड़ा सा चुभन महसूस हुआ, पता नहीं क्या हो गया मेरे पैर में, एक बार देखो। तो लोग बोल रहे थे कि अरे शायद बिच्छू ने काटा होगा तुमको। तो उसके दोस्त बोल रहे थे नहीं नहीं हमारे कमरे में बिच्छू नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लगता कि बिच्छू ने काटा होगा। तो आई थिंक किसी और चीज ने काट लिया होगा, बिच्छू ने नहीं काटा है। तो दोपहर के 3 बजे तो उस जवान लड़का एकदम से वो गिर गया जमीन में, वो उठ नहीं पाया। लोग इकट्ठे हुए हैं और उसको अस्पताल लेके गए। तो डॉक्टर ने उसको देख के बोला कि ये मरा हुआ इंसान है, इसको वापस ले जाओ। तो डॉक्टर ने बोला इसको बिच्छू ने काट लिया है, तुमको मतलब रात को ही आना चाहिए था, लेकिन इतने लेट क्यों आए। तो समय बीत गया और दिल तक सारा जो जहर है वो पहुंच गया है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें उसको वापस लेके जाना पड़ेगा, तुम वापस लेके जाओ। मना कर रहे थे, बोले थे नहीं मदद करो मदद करो। तो लोगों ने बोला कि प्लीज इसको अस्पताल में इसको ट्रीटमेंट पाने दो। तो उसको अस्पताल में लेटाया और 3 डॉक्टर आए सीपीआर देने के लिए। लेकिन 2 घंटे के बाद उसे अपने आंखें खोले तो कोमा में पहुंचने वाला था। तो ब्रांच मैनेजर ने मुझे फोन किया, उसने बोला पास्टर देखो मैं क्या करूं। तो फिर हम यशाया 40 का 31 में वचन प्रचार किया पास्टर ने उनको, और उसने बोला कि मुझे यूहान को बताने दो। बोला कि तुम बिच्छू से डसे गए हो, घाटे गए हो। तो मैंने उसको बाइबल पढ़ाया। बाइबल कहती है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
काबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैंने बोला कि जॉन, ये तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? बोला कि हाँ जी पास्टर। तुमको बिच्छू ने काट लिया है, तुम मर रहे हो अभी। जो बिच्छू का जो जहर है तुम्हारे पूरे शरीर में फैल गया है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैंने आज ये बाइबल का वचन पढ़ा तो यशाया में ऐसा लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते ही जाएंगे। जॉन सुनो, परमेश्वर का वचन है ये, और परमेश्वर बाइबल के द्वारा वचन बोलता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। बाइबल ने बोला है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तुम अभी स्कॉर्पियो के सॉरी बिच्छू के द्वारा तुमको काट लिया गया है, तो इस जहर को जीत पाने के लिए आपको एक नया बल चाहिए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखो जॉन, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, तो परमेश्वर की इंतजार करो और परमेश्वर की ओर ताकते रहो। जब तुम परमेश्वर की ओर इंतजार करोगे तो परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने वादा दिया है वैसे ही तुमको ताकत देगा। और ये जो बिच्छू का जो जहर है कुछ भी नहीं है, तो मैंने फोन काट दिया। तो ये जो जॉन लड़का है, जॉन ये सो गया। और वहां पे एक नर्स थी अस्पताल में बीच रात में, तो वो कुर्सी में बैठी हुई थी और वो ऊंघ रही थी। तो सुबह सुबह जब सूरज उगा तो नर्स को पता चला कि अब सुबह हो गई है। तो सोचा कि अरे ये शायद जो ये जवान लड़का कल रात को आया था वो मर गया होगा, मैं इसके बॉडी को शिफ्ट कर देती हूँ कहीं और। तो वो आई, जॉन के बिस्तर तक पहुंची। तो एक्चुअली जॉन को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो खराटे दे रहा था करके, तो सब लोग ऐसे हैरान हो गए। तो एकदम ऐसे वो डॉक्टर के पास भागी और उसने बहुत जोर जोर से खटखटाया, डॉक्टर डॉक्टर उठो उठो, एक चमत्कार हुआ है। तो डॉक्टर इतना हैरान हो गया कि बोला क्या हो गया क्या हो गया, क्या है क्या बात है। डॉक्टर आया जॉन को देखने और जॉन जिसको मर जाना था रात को वो खराटे ले लेकर सो रहा था। हे नर्स, तुमने क्या किया उसको, क्या दवाई दिया था? कुछ दवाई दिया था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया। और सूरज उगा, जॉन उठा, फिर उसको पूछा तुम ठीक हो? सुना हाँ मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सब लोग हैरान हो गए, डॉक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। तो उसको वो ठीक हो गया, तो उसको थोड़ा टाइम लगा ये जो उसके घाव है उसको पूरी तरह ठीक होने में। तो अब अभी बहुत ठीक है, अभी पूरी तरह चंगा हो गया है, ठीक हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ये संसार का परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या बोला? परंतु जो परमेश्वर की यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब बाट जो होना मतलब परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर पर निर्भर करना, तो उनको नया बल प्राप्त वो लोग करते जाएंगे। तो हमारे जिंदगी में भी हम लोग ऐसे मुश्किलों का सामना करते हैं, निराशा का सामना करते हैं,
तो कभी कभी हम लोग बीच में गिव अप करना चाहते हैं ना, बहुत बार हम निराशा में गिर जाते हैं ना। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो मतलब यहाँ लिखा है कि अगर तुम परमेश्वर की ओर ताकोगे, परमेश्वर के इंतजार करोगे, तो परमेश्वर आपको ताकत देगा। तो मैंने जॉन को बोला था फोन में कि तुमको बिच्छू ने काट लिया तो तुम मर रहे हो, लेकिन बाइबल क्या बोल रही है, बाइबल में लिखा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो मैंने बस बाइबल में जो वचन लिखा है उसको बताया। बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है, नहीं बोलता है। तो जब हम लोग मुश्किलों का सामना करते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब ताकत नहीं होता है इस भी जीत पा सकता है। तो जब भी आप किसी मुश्किलों में हो, तो आप अपने मन को आप परमेश्वर के मन से एक कर दो। जब आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर करोगे, जब परमेश्वर पर विश्वास देगा, उस मुश्किलों का समस्या का के ऊपर जीत पाने का ताकत देगा परमेश्वर। तो ये जो जवान लड़का है वो अभी भी जिंदा है और सुसमाचार के लिए काम कर रहा है, पूरी तरह ठीक हो गया है। हम परमेश्वर की ओर बाट जोते हैं, जब हम परमेश्वर की इंतजार करते हैं, हम भी तो सेम ही तो है उसकी तरह। तो सच में परमेश्वर कैसे काम कर रहा था उसको देखना बहुत अद्भुत लगता है। तो बहुत हजार सालों से हम लोग दुष्टात्मा के द्वारा चलाए जा रहे थे, हम लोग परमेश्वर से अलग थे, डिस्कनेक्टेड थे, हमारे पास कोई विश्वास नहीं था, हम जुड़े नहीं थे उनसे। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दो, यीशु मसीह के मन से जोड़ना शुरू कर दोगे, तो जो कुछ भी आप करोगे, तो मैं देखा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, परमेश्वर ने मदद किया, परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। और बहुत लंबे समय से हम लोग शैतान जो दुष्ट आत्मा है उसके द्वारा हम धोखा खा रहे थे, हम लोग पाप में गहरे रूप से गिरे हुए थे, हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध गए थे। लेकिन जब हम अपने मन को परमेश्वर की तरफ खोलेंगे, तो बहुत अद्भुत चीजें होते हैं। कोरिया में हापछन करके एक जगह है, तो हापछन करके चर्च है। तो हापछन के चर्च के पास्टर ने मुझे बुलाया। तो जिंजू जो उसके बगल में एक शहर है, वहां पे कॉन्सर्ट में हम लोग गए थे। कॉन्सर्ट जब पूरा हुआ शाम के 10 बजे, हम चर्च में गए। चाहे लेट हो गए थे हम लोग, लेकिन फिर भी 10 भाई लोग मेरे इंतजार में थे। हम बातचीत कर रहे थे और मैं सोने वाला था, तो एक औरत मेरे पास आई। उसने बोला कि पास्टर अब तो जब करता था कभी दारू, आजकल ये बहुत दारू पीने लग गया है, और अभी अभी वो कुछ नहीं करने लगा, अब सिर्फ दारू पीता है। तो इसका इनका पति
तो एक्चुअली इसका पति जहां पे इसकी पत्नी काम करती वहां पे आया पैसे मांगने के लिए, शराब के लिए। तो घर आने के बाद जब औरत घर पे आई, उसने देखा कि सारे खाली बोतलें घर पे पड़े हुए, तो वो इसलिए मेरे पास आई और कहने लगी, पास्टर मैं आप इस आदमी के साथ जी नहीं सकती हूँ। मैंने बोला हे, उसको कल सुबह चर्च लेके आना, ठीक है? तो अगले दिन अपने पति को लेकर आई मेरे पास। तो सुबह सुबह वो लोग एक्चुअली आए थे, मतलब इतनी सुबह को वो लोग आए थे, लेकिन वो फिर भी शराब पीकर आया था। तो हम बैठे, मैंने वचन खोला इब्रानियों 10 का, वादा दस का 14। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने अपने शरीर को बलिदान दे दिया, क्योंकि उसने एक ही के द्वारा जो पाप हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो मैंने इनके पति को बोला, आप सिद्ध हो, आप परफेक्ट हो। तो उसने बोला कि मैं तो हर दिन शराब पीता हूं, तो आप मुझे परफेक्ट कैसे बोल सकते हो, आप मुझे सिद्ध कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे चढ़ावे लिखा है ना, चढ़ावे के द्वारा। तो चढ़ावा कौन है? वो एक चढ़ावा कौन है? वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ा दिया, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दे दिया। तो क्यों चढ़ाया? ताकि हम लोग सिद्ध हो जाए, ताकि हम परफेक्ट हो जाए और हमेशा के लिए। तो मैंने उस भाई को पूछा, आप परफेक्ट हो? आप निर्दोष हो? आप निपुण हो? आप सिद्ध हो? नहीं, नहीं हूं। इब्रानियों 10:14 में क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है कि एक ही द्वारा, एक चढ़ावे के द्वारा यीशु मसीह ने सिद्ध कर दिया है। जानता हूं कि आप दारू पीते हो, आपने गलत काम किए हैं, आपने बुराई की है, लेकिन फिर भी से आपको परफेक्ट बुला रहा है, आपको बोल रहा है कि आप सिद्ध हो, और बाइबल यही कहती है। तो समझो, कह रही है कि क्योंकि एक ही चढ़ावे के द्वारा अपने बलिदान से आपको सिद्ध कर दिया है, लेकिन जब उसने अपने आप को देखा तो वो दारू पी रहा था, गलत था, बुराई कर रहा था। तो आप बोल रही है, तुम्हें क्या बोल रही है बाइबल? बाइबल बोल रही है कि तुम परफेक्ट हो, तुम सिद्ध हो। तो अगर बाइबल आपको सिर्फ बुला रही है, अगर आपको परफेक्ट बोल रही है, तो फिर आप परफेक्ट हो। तो वो जवाब नहीं दे पाया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन है, अगर परमेश्वर आपको परफेक्ट बुला रहा है, तो आप सिद्ध हो कि नहीं? उसने बोला, अच्छा तो मैं सिद्ध हूं, तो आपको क्या लगता है मैं सिद्ध हूं? तो वो विश्वास नहीं कर पाया। अगर परमेश्वर आपको सिद्ध बुला रहा है, तो क्या वो है? वो अपने सिद्ध नहीं बुला पा रहा था, लेकिन फिर भी बाइबल कहती, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध हैं। नहीं, मैं अभी भी दारू पीता हूं, नहीं।
मैं शराबी हूँ, मैं एडिक्ट हूँ, नहीं मैं सिद्ध नहीं हो सकता, नहीं मैं नहीं हो सकता। तो मैंने बोला बाइबल क्या बोल रही है, बाइबल क्या बोल रही है, बाइबल क्या बोल रही है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा जो उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो इब्रानियों 10 में साफ यहाँ पे एक ही कौन है ना, तो जो एक के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया और उसने पाप की मजदूरी दे दी। तो मतलब अब पाप हमारे ऊपर जीत नहीं पा सकता, हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो मैंने पूछा कि भाई आप सिद्ध हो, नहीं मैं सिद्ध नहीं हूं। फिर से पढ़ो इब्रानियों 10:14 पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है। वो कह रहा परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है, चाहे यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, सारे पाप आपके सारे गलतियां यीशु मसीह लेके सिद्ध कर दिया है। तो बाइबल क्या कह रही है, बाइबल कह रही है कि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो जब वो अपने आप को देख रहा था, वो अपने आप को नहीं बुला पा रहा था, नहीं बाइबल ने क्या बोला, मैं सिद्ध हूं, है ना, सिद्ध कर दिया है। परमेश्वर क्रूस पर चढ़ गया और उसने हमारे पाप को पूरा धो दिया। तो फिर परमेश्वर, तो मतलब परमेश्वर झूठ बोल रहा है, अगर परमेश्वर आपको सिद्ध बोल मतलब उसने आपको सिद्ध बना दिया है तो आप सिद्ध हो। लेकिन उस दिन फिर उसका मन बदल गया, उसने बोला मैं सिद्ध हूं, फिर वो चला गया अपने घर। अगले दिन वो गया, उसने फ्रिज खोला, उसने सोजू का बॉटल पकड़ा। लेकिन बहुत अजीब चीज हुई कि वो पीना नहीं चाह रहा था, मतलब एक्चुअली वो हर दिन पीता था, लेकिन अद्भुत रूप से जब उसने उस वचन को ग्रहण किया वो बदल गया। तो चाहे कितना भी रात अंधेरा क्यों ना हो, चाहे आपके कमरे में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, जब आप लाइट ऑन करोगे तो वो रोशनी ज्योति आ जाती है। तो जब आप लाइट ऑन करते हो तो फिर से उज्जवल हो जाता है ना, सही बोला मैंने। चलो मान लीजिए बहुत गहरी अंधकार है यहाँ पे, तो जब आप लाइट ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो रोशनी आ जाएगी, है ना, क्यों आप जानते क्यों, क्यों कोई बता सकता है क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए भाई और मैं, तो ये भाई यहाँ पे खड़ा है, मान लो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और मैंने उसको मुक्का मारा,
तो अगर ज्यादा मेरे पास ताकत है तो फिर वो हार जाएगा, तो मैंने उसको मुक्का मारा। मान लो अगर मैं इसको जीत पा गया तो वो हार जाएगा, है ना, मैंने उसको हरा दिया, है ना। तो जब रोशनी अंधकार में जीत पा लेती है तो हम चाहे कितना भी वो अंधकार ढूंढना चाहे, वो अंधकार नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि ज्योति ने उस अंधकार के ऊपर जीत पा लिया। तो चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, जब रोशनी आता है तो वो सारे अंधकार को भगा देता है। तो क्या अंधकार रोशनी के जीत पा सकता है? नहीं। तो रोशनी जो यीशु मसीह है, जब आप यीशु मसीह से मिलते हो तो सारे अंधकार आपके मन में वो सब गायब हो जाएगा। जब आप यीशु मसीह से मिलोगे तो आपका जितना भी निराशा है वो सब गायब हो जाएगा। तो कितने अद्भुत बात नहीं। तो चाहे आपका मन कितना भी अंधकार क्यों ना हो, तो जो रोशनी है वो अंधकार के ऊपर जीत पा सकता है। तो वो रोशनी यीशु मसीह है। तो आप जब उस रोशनी से एक हो जाओगे तो आपके अंदर जितना भी अंधकार है वो यीशु मसीह उसके ऊपर जीत पा सकता है। चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो अंधकार, कोई भी उसके ऊपर रोशनी उसके ऊपर जीत पा सकती है। हमको फिर अंधकार से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंधकार चाहे बोले कि नहीं नहीं हम रोशनी को जीत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लाइट ऑन करते हो तो जब रोशनी आती है तो जो अंधकार है और रोशनी के ऊपर हावी नहीं हो सकता है।
चाहे वो छोटी सी ज्योति क्यों ना हो, वो सारे अंधकार को हटा देती है। तो जो रोशनी है वो पूरे अंधकार को हटा देती है। तो यीशु मसीह वो रोशनी है जो हमारे मन में आ गया। जब आप यीशु मसीह के पास आ जाओगे तो आप चमकने लग जाओगे। तो ये जो चीजें हैं बहुत अद्भुत हैं। तो एक आदमी था जिसका नाम शाउल था, उसने सुना कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, तो सोच चिल्लाने लग गया कि ये क्या झूठ है, ये क्या बकवास है, कौन मरा हुआ इंसान जी उठ सकता है। तो उसने मसीही लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया और सब लोग यरूशलेम में भागने लग गए उससे। और उसने देखा कि बहुत सारे मसीही लोग दमिश्क में थे। तो शाओल ने क्या किया, तो उसने जो पत्र है वो चिट्ठियां जो थी उसने मंगवाई और दमिश्क की ओर जाने लग गया। तो रास्ते में एकदम से उसके ऊपर इतनी बड़ी ज्योति चमकी और वो गिर गया रास्ते में। उसने फिर एक आवाज सुनी, वो आवाज कह रही थी, हे शाओल तू मुझे क्यों सताता है? नहीं, मैंने किसी को नहीं सताया। तो शाओल किसी को भी देख नहीं पा रहा था, तो इसलिए बहुत हैरान हो गया और कप कपा रहा था, पूछ रहा था कि हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, यीशु मसीह तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। और उसने क्या सोचा था कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो खबर है वो झूठी खबर है। शाओल ने सोचा कि नहीं, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये धोखा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मसीह जी उठा है। तो इसलिए वो मसीह लोगों को पकड़ना जा रहा था। तो यरूशलेम से उसने चिट्ठियां मांगी कि सारे मसीह को बांध कर वो यरूशलेम ले आए। लेकिन जब रास्ते में जा रहा था तो रोशनी चमकी उसके ऊपर, वो बेहोश हो गया। उसने बोला, हे शाओल तू मुझे क्यों सताता है? हे प्रभु तू कौन है? नहीं, मैंने किसी को नहीं सताया। ये मसीही लोग झूठे हैं, अब मैं उनको बंदीगृह में डाल दूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा इन लोग को। तो शाऊल ने पूछा, प्रभु तुम कौन हो? प्रभु ने बोला, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तो शाउल बहुत ज्यादा शॉक हो गया, घबरा गया, फिर वो मान गया। तो इसका मतलब क्या है, सच है कि तुम जी उठे हो? प्रभु ने बोला, तुम जाओ नगर में जाओ। तो उसने मन फिराया और उसने बोला कि सच में मैं जानता नहीं था। तो जब उसे पता चला कि यीशु मसीह जी उठा है, तो इसने उसका मन बदल दिया परमेश्वर ने, और वो बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। तो मैं जब छोटा था तब से मैं चर्च जाना शुरू किया था मैंने, और मुझे सुसमाचार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो जब मैं छोटा था तो उस समय मेरा जो देश था बहुत ज्यादा गरीब था और बहुत बार हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। तो मैं कभी कभी किसी के खेत से सेब चुरा था। तो जो सेब का जो पेड़ होता है वो उसके आसपास फेंस होता है,
मैं एक चाकू ले आता और जो बाढ़ है उस बाढ़ के अंदर ऐसे छेद बना के काट के फिर उसके हम लोग अंदर जाते थे खेत के अंदर, और मैं सेब चुराता था, तरबूज चुराता था, चाहे मैं चढ़ जाता था तो मैं अपने दोस्तों की चोरी बहुत करता था। तो मुझे बहुत डर लगता था कि हाँ मुझे पता चल गया था कि मैं पापी हूँ और मैं नरक जाने वाला हूँ। तो 1962 था तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो मतलब बाइबल में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत चीजें दिखाई दिया। यीशु मसीह दुनिया में आया और हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, तो मुझे पता चला कि मेरे सारे पाप जो है वो धुल चुके हैं। तो मतलब मैंने मन में प्रवेश कर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। तो अब मैं पूरे देश घूमता हूँ और मैं प्रचार करता हूँ कि चाहे हमारे पास पाप है लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप को धो दिया, हमें सिद्ध कर दिया है, और यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरी जिंदगी में है और मेरी मदद करता है। और मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो जब यीशु मसीह मेरे मन में आया तो यीशु मसीह ने मुझे आनंद दिया, जॉय दिया और आशा दिया। मैं पूरे देश घूमता हूँ अब। तो इस शाम को मैं कोरिया से आया, सोल से आया, और इस बार मुझे 7 देशों में जाना है। तो म्यांमार हमारे कोरिया से बहुत नजदीक है, तो मैं अगली बार दोबारा आऊंगा। फिर इसके बाद मैं 7 देशों में जाऊंगा और सुसमाचार प्रचार करूंगा। और क्योंकि म्यांमार आसपास ही था तो मैं म्यांमार आ गया। तो मैं एयरपोर्ट में था तो किसी को देखा मैंने, तो ऐसा लग रहा था कोई जाना पहचाना है। तो वो एक्चुअली एक मिशनरी है, तो मैंने उसको नमस्ते किया। हमने एक साथ लंच खाया, तो लंच खाने के बाद मेरा पेट भर गया, बहुत ताकत आ गई मेरे अंदर। लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या है कि चाहे हम अपने नजर से यीशु मसीह को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग अपने मन को यीशु मसीह से कनेक्ट कर पाएंगे अगर हम बाइबल पढ़ेंगे। तो जब यीशु मसीह का मन आपके मन में प्रवेश कर जाएगा, तो क्योंकि यीशु मसीह ताकत है, ज्योति है, तो वो अंधकार के ऊपर जीत पा लेगा और वो आपकी जिंदगी को आशीषित रास्ते में लेकर जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह की वो काम कर रहा है हमारे अंदर। तो जैसे जैसे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को मुश्किलों में देखता हूँ, तो वो लोग जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ के विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उनके मन में आता है। तो पहले तो ये लोग जब भी कोई ऐसे प्रलोभ ड्रग्स का या फिर कुछ ऐसे शराब का एडिक्शन उनके ऊपर गिरता है तो फिर वो इस चीज के ऊपर जीत नहीं पा सकते हैं, लेकिन वो लोग बदलने लगे। जब मेरे पिता 70 साल के थे तब वो गुजर गए। उससे पहले मैंने बहुत कोशिश किया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। तो मेरे पिता अपने अपने खुद के गांव में बड़े पैदा हुए थे, बड़े, और अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा क्लोज थे वो। तो इसको उनको मतलब जो दोस्ती है ना, दोस्ती जो है उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता था। तो उनको क्या लगता कि अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाऊंगा तो मुझे शराब छोड़ना पड़ेगा।
मैं बोला कि पापा यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दो। उसने बोला ठीक है, अगले अगले वसंत ऋतु के समय। तो मैंने पूछा क्यों, फिर मेरे पापा ने क्या बोला, कि मेरे मेरा जो दोस्त है उसका बर्थडे आने वाला है, और अपना बर्थडे बर्थडे में पार्टी करेगा, तो वो शराब जरूर पिलाएगा, तो अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो मेरे पापा के लिए जो दोस्ती है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मैं बोला कि नहीं पापा, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। तो बोला कि हाँ ठीक है, मैं विश्वास कर लूंगा, बट वसंत ऋतु को आने दो। तो उसके बाद जब उनको मैंने दोबारा पूछा, तो कह रहे ठंड के मौसम में करूंगा। तो मैंने पूछा क्यों, बोला कि ठंड के मौसम में, क्योंकि उससे पहले मेरे जो दोस्त हैं वो लोग भी अपने घर में पार्टी करने वाले हैं, तो पार्टी करते समय हमें शराब पीना होता है, तो मैं शराब नहीं छोड़ सकता ना। तो ऐसे करके तय करते 10 साल बीत गए। तो मेरा बड़ा भाई एक्चुअली मेरे पापा के साथ रह रहा था, तो मेरे बड़े भाई को जापान जाना पड़ा। तो उस समय बहुत ज्यादा धन्यवाद देने लगा कि अच्छा हुआ कि मेरा बड़ा भाई जापान जा रहा है। तो जब मेरा बड़ा भाई जाने वाला था, उसने बोला कि जब तक मैं जापान जा रहा हूँ तब तक तुम मेरे हमारे पापा को देख रेख कर सकते हो। मैंने बोला हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो मेरे पापा को मैं अपने घर ले आया और उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहा। तो मेरे पिता जो थे बहुत काफी बार शराब पीते थे, तो एक बार क्या हुआ, पिता ने मुझे बुलाया। तो मेरी बेटी का नाम उनसुक है, तो उन्होंने बोला कि उनसुक के पापा इधर आओ, तुम हो वहां पे बाहर हो। मैं अंदर आया, कमरे में गया, तो एक्चुअली मेरे पापा के पेट में अल्सर था, तो वो लेटे हुए थे, वो एकदम से उठ गए, बैठ गए और एकदम से दया करके उन्होंने उल्टी किया। तो जो भी उनके पेट में खून था तो सारा वो निकल के आ गया। तो मैं इतना हैरान हो गया, इतना डर गया, तो मेरे पिता भी खुद भी ऐसे हैरान हो गए। तो हमने सारा उनका खून की उल्टी साफ किया और ब्लैंकेट भी बदल दिया। तो मेरे पिता ने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला। मैं बोला कि पापा आप ठीक हो, उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मैंने बोला पापा, फिर मैंने यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू कर दिया, पापा आप जल्द ही परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हो। तो मैंने बताया कि कैसे यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा, हमारे पाप कैसे धुल गए। उन्होंने बोला था कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, बट वो शराब को छोड़ नहीं पा रहे थे। वो हमेशा बोलते कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरे दोस्त के बर्थडे के बाद मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। तो बार बार से पोस्टपोन करते जा रहे थे। लेकिन जिस दिन मेरे पापा ने खून की उल्टी की, उनके मन में मृत्यु आ गया। तो मैंने एक रिकॉर्डर लाया, मैं बोला पापा आपके गुजर जाने के बाद हम आपके आवाज को मिस करेंगे, आपके वॉइस को मिस करेंगे, तो मुझे आपका ये रिकॉर्डिंग करने दो। तो आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे लिए, मैं आपके लिए वॉइस रिकॉर्ड कर दूंगा, हमारे लिए वॉइस रिकॉर्ड कर दूंगा।
तो पापा आपकी याद आएगी, तो आप गुजर जाओगे तो हम आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, तो आप प्लीज कुछ बोलिए, हम मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो पापा मतलब कम से कम 1 घंटा बोले, फिर उन्होंने मुझसे कहा जब मैं गुजर जाऊंगा मुझे अपने माँ के बगल में आप गाड़ देना। तो मेरे शरीर को अच्छे से लपेट लेना और गाड़ देना। फिर मैंने बोला पापा ठीक है, जैसा आपने बोला हम वैसा ही करेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ मैं आपका जो वादा है वो रखूंगा। तो पापा आपके शरीर को तो अच्छे से हम दफन कर लेंगे, लेकिन आपका प्राण क्या होगा? आपका जो सोल है वो कहाँ जाएगा? आपका प्राण कहाँ जाएगा? थोड़े समय के बाद पापा ने बोला कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने स्वर्ग जाने के लिए कुछ करा ही नहीं, कुछ ऐसे अच्छे काम नहीं करे हैं। तो मेरे पापा बहुत दुखी हो गए, लेकिन मैं इतना खुश हो गया क्योंकि मैं पास्टर बना हूँ। तो मान लो अगर मैं पास्टर नहीं होता तो फिर मैं कभी भी अपने पापा को सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाता, लेकिन मैं बहुत खुश हो गया। तो सच में हाँ, अगर पाप है तो हमें दंड पाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे जो दंड है, पनिशमेंट है, वो अपने पर ले लिया और मेरे पापा पूरी तरह बदल गए। हमने एम्बुलेंस बुलवाया और अब हमारे पापा को हम उनके होम टाउन लेके चले गए, उनके गांव लेके चले गए। तो मेरे पापा कहने लगे चलो परमेश्वर की स्तुति गाते हैं, परमेश्वर की स्तुति गाते हैं, मैं बहुत खुश हूं। फिर सुबह सुबह मेरे पापा ने मुझे बोला मेरे दोस्तों को फोन करो, तो फिर मैंने उनके दोस्तों को फोन किया, तो मेरे पापा ने फोन में बात किया उनसे, सुनो दोस्तों मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। अब मेरी पूरी जिंदगी तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ दोस्तों, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं तुम लोग से पहले जा रहा हूँ स्वर्ग, तो मैं पहले जाऊंगा स्वर्ग और मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। तो हम सब लोग स्वर्ग में मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, ठीक है? तो अगले दिन मेरे पिताजी गुजर गए। उस दिन मैं बहुत धन्यवाद दे सका कि मैं पास्टर बनाऊं। तो अगर मुझे बाइबल के बारे में पता नहीं होता, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता होता, मैं कैसे अपने पापा को बताता? मेरे पापा को मौका नहीं मिलता सुसमाचार सुनने का अगर मैं पास्टर नहीं होता तो। और बहुत बार ऐसा समय है मैं बहुत सारे मुश्किल से मिलता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि यीशु मसीह मेरे साथ है, ना केवल कोरिया में, हम बाइबल सभा पूरी दुनिया में करते हैं ना। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने बाइबल सभा किया, तो मतलब पूरे दुनिया से लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे।
तो इस हफ्ते इंचन से आकर मैं यहाँ पर आया, मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने मन में यीशु मसीह को रखोगे। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको पवित्र बना दिया है, तो फिर तब परमेश्वर आपके मन में काम करना शुरू कर देगा। तो जब आप उस जिंदगी के पीछे जाओगे, जब आप वही जिंदगी जियोगे, तो आप अंधकार के ऊपर जीत पाओगे और कोई दुख नहीं होगा आपकी जिंदगी में, और आप बहुत ही ज्यादा आशीषित जीवन जी पाओगे। जब मैं बाइबल बार 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 पढ़ता हूँ, तो मुझे ये पता चला कि सच में परमेश्वर हमारे पाप को धोना चाहता था। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को यीशु के ऊपर डाल दिया, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और हमारे जिंदगी को आशीष में बदल दिया। हम इतना ही बांटेंगे, तो हमारी कहानी हम अगले सुबह हम कंटिन्यू करेंगे। तो यीशु मसीह रोशनी है, तो जब आप अमेरिका में हो, परमेश्वर आपके साथ है। तो कहीं पर भी हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको अनुग्रह देना चाहते हैं, अनुग्रह दे रहे हैं। आप मुश्किलों में गिर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास यीशु मसीह पर विश्वास होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है, तो वो हमारे कोई भी जो समस्या वो ठीक कर लेगा, वो संभाल लेगा और हमें स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रहूंगा। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार हम दोबारा से ये बातचीत कर पाएंगे आत्मिक जीवन के बारे में। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे।